आपके चैप्टर्स में कुछ बारे में पढ़ना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, तो हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे नोमेनक्लेचर्स में, स्टार्टिंग्स में हम लोग थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन किया गया है हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। तो सिंपल सिंपल कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक्स में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग्स चैप्टर्स है और उसको पढ़ने तो हाइब्रिडाइजेशंस बहुत इजी से आसानी से क्लियर होगा। अगर इनऑर्गेनिक्स में चैप्टर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक्स चैप्टर्स में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और बहुत सारे लोग पढ़े होंगे तो, लेकिन इसमें लोग समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं अल्केन अल्किन अल्काइन्स में जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा सा यूज होता है स्टार्टिंग में दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो उसमें बहुत थोड़ा सा समझते हैं अल्केन अल्किन अल्काइन्स में। तो इसमें अल्केन अल्किन अल्काइन्स में क्या होता है कि CH3CH3 अगर इस तरह दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा CH तो हम लोग नंबरिंग कर देते हैं C1C2। तो हमारा C1 और C2 अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं, तो SP होता है, SP2 होता है, SP3 होता है। तो इस तरह हम लोग SP1 SP2 SP3 किस तरह होगा तो हम लोग कैसे काउंट्स करेंगे, तो पहले काउंट्स करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सिंगल सिंगल जो बॉन्ड्स होता है कोवेलेंट्स होता है उसका 1 1 1 काउंट्स करते हैं, और डबल बॉन्ड्स यहाँ पर रहा तो उसका भी 1 काउंट्स करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड्स रहा तो उसका 1 काउंट्स करते हैं। तो इस तरह हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस लिख सकते हैं। तो इस तरह सिंगल सिंगल बॉन्ड्स का 1 काउंट्स करते हैं, तो यहाँ पर C1 कार्बन एटम्स का 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड इसमें है तो इसके लिए हम लोग का SP3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, हम लोग अभी समझना नहीं डिटेल से कैसे होता है। 4 बॉन्ड्स हैं तो P3 हो गया और S1 हो गया, ऐसे हम याद करने के लिए क्योंकि बाद में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं S2 था कि S3 था, SP3 इस तरह होगा SP3। हम लोग हाइड्रेशन में इस तरह SP3 याद कर सकते हैं, और कार्बन C2 एटम्स का भी 4 बॉन्ड्स हैं तो इसलिए इसका SP3 हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, इसमें मान लीजिए अल्किन्स का रहा, अल्काइन्स का रहा, अल्काइन्स में क्या होता है कि इस कारण से अगर हाइब्रिडाइजेशंस देखें यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड्स का भी हम लोग एक काउंट्स करेंगे और डबल बॉन्ड्स का भी एक काउंट्स करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड्स का एक काउंट्स हुआ और इस सिंगल बॉन्ड्स का एक काउंट्स हुआ, टोटल कितना है 2, तो 2 के लिए क्या होगा SP हो जाएगा, S1 हो गया और P1 हो गया, 2 2 हो गया। यहाँ पर क्या S हमेशा 1 ही रहेगा, SP होगा या SP2 होगा या तो SP3 होगा, मतलब जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें SP या SP2 या SP3 इतना ही होता है, और भी आगे हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। SP SP2 SP3 इसमें SP3 हो गया, P3 हो गया, S हमेशा 1 ही रहेगा, S रहेगा, P आगे बढ़ेगा, SP होगा या तो SP2 होगा, एक अधिक बढ़ जाएगा तो एक और अधिक बढ़ गया तो SP3 हो जाएगा। इस तरह हम लोग डबल बॉन्ड्स का देखें तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, या तो हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड्स का एक काउंट करना है और ये एक टोटल कितना 3 हो गया, तो 3 में कैसे लिखेंगे SP2 लिखेंगे क्योंकि S1 हो गया P2 हो गया, इसके लिए हम लोग SP2 लिखेंगे, इसके लिए भी SP2 लिखेंगे, इस तरह हम लोग SP2 लिखेंगे, इस तरह हम लोग SP SP2 SP3 समझ लिए। तो भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनेटाइल्स होते हैं, कहीं भी किसी भी कंपाउंड्स में कार्बोनेटाइल्स लगा हुआ है तो कार्बोनेटाइल्स लगा हुआ है, अगर इस तरह लगा हुआ है इस कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, किसी भी कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो क्या ट्रिपल बॉन्ड्स का एक काउंट्स करते हैं, डबल बॉन्ड्स का एक काउंट्स करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स एक काउंट्स हो गया, यहाँ एक हो गया, 2 हो गया, तो 2 का क्या होगा SP होगा, याद रखना है कि 2 का SP होगा, 3 का SP2 होगा और 4 का SP3 होगा, और डबल बॉन्ड्स को 1 काउंट करना है, ट्रिपल बॉन्ड्स को 1 काउंट करना है, इस तरह ट्रिपल बॉन्ड का 1 काउंट किया तो यहाँ पे 1, अगर सिंगल बॉन्ड्स के लिए 1 के लिए 1 1 रहा तो 2 हो गया, 2 के लिए SP हो गया 1 1 2, इसका 1 इसका 1 टोटल मिला के 2, इसका SP हो गया।
इस तरह यहाँ पे ये 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स को वन काउंट करते हैं तो 4 का क्या हो गया, 4 का sp3 हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 का क्या sp हो गया। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है इसके लिए 1 हो गया और यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए sp2 होता है, इसके लिए sp2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी sp हो जाएगा। इस तरह हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सिंपल समझ सकते हैं। NO2 होता है, NO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वहाँ पे कुछ है क्या है। और डबल बॉन्ड्स के लिए हम लोग और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हमेशा 1 काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड्स के लिए और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हमेशा इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 काउंट करते हैं। मतलब इस तरह ट्रिकी है थोड़ा सॉल्व करने का, थोड़ा अच्छा से याद रहेगा ज़्यादा एग्जाम में। अभी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, केमिकल बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ना है और जो भी चीज़ें पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। अभी इसी स्टार्टिंग्स में समझने के लिए थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट sp2 sp3 हल्का सा आ जाए, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन अभी।